खुश रहिए सब लोग, सब लोग खुश रहिए लोग, जल्दी जल्दी आप लोग का टिकट लगे। प्रणाम मम्मी। फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज अभी मैं निकल चुका हूँ बारात में और आप लोग को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कोई नोन में ही है। तो चलिए अभी बहुत ज़्यादा जाम होने वाला है क्योंकि आज इतना ज़्यादा पार्टी फंक्शन है ना। पापा खुद बोले हैं कि बहुत सारा फंक्शन जो है अभी वहाँ पे आसपास में ही है, तो कहीं एक जाएंगे तो दूसरा छूटेगा ही छूटेगा, तो फिर बाकी जो है पापा आके मैनेज करेंगे। और सच में बता रहे हैं इतना ज़्यादा इनविटेशन आया हुआ है ना कि अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना सही रहेगा नहीं जाना। तो मैं जल्दी जल्दी अपना कपड़ा जो है ना सही करवाया हूँ और ख़ास करके जो पैंट है उस पैंट को मैं थोड़ा सा खुलवा दिया हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मोटा भी हो रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग को बता दिए क्योंकि झूठ नहीं बोलते हैं, जो होता है सामने होता है। ठीक है तो चलिए लेके चलते हैं जल्दी जल्दी। और कल का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, मतलब शादी वाला, और आज का तो और दमदार होगा। थोड़ा ब्लॉग लेट भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग तो प्यार इतना दे ही रहे हैं। और राज अवल हम अगर अपना नेचुरल, सही बात है आप लोग बोले, अगर मैं नेचुरल अपना वीडियो बनाऊँगा ना जो जैसा हूँ मैं हंसाने वाला, सच में बता रहे हैं आप लोग एकदम मेरा फिदा हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्माइल करने पे ना लोग स्मार्ट लगता है, वैसे तो आज हम स्मार्ट लग रहे होंगे। और अंजना देखेगी तो बोलेगी भाई साहब इतना झाड़ झूड़ के जा रहे हैं, हाँ तो क्या किया जाएगा। हे गाइस, तो ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और गाइस आपको बताएं, मुझे लगता है ना सिवान का जो पॉपुलेशन है ना इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा कि मतलब हम लोग गए हुए थे ना अभी मध्य प्रदेश, पूरा खाली खाली था, जहाँ तहाँ जो है एकदम मतलब खाली खाली। और यहाँ पे जो है ना एक इंच जगह नहीं बचता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ माँ धड़ाई शुरू हो जाता है। ठीक, सिवान जिला में घर बा तो केकरा बात के डर बा। चलिए खुश रहिए सब लोग, सब लोग खुश रहिए लोग, जल्दी जल्दी आप लोग का टिकट लगे। प्रणाम मम्मी, बैठिए लोग, रुकिए रुकिए। तो यहाँ पे मौसी जी आ गई मुंबई वाली और यहाँ मम्मी है, देखिए एकदम कंपटीशन में लोग दोनों लोग एकदम अच्छे। कौन तैयार करवाया आप लोग को? अंजू, हमको पता था आपको। रिंकी क्या अपने से? चलिए बैठ गए सब लोग, तुम आगे बैठ जाना, तुम आगे बैठ जाना, रास्ता देखिए पूजा ना। अच्छा साथी चलेंगे, एथी मिल जाएगा। हाँ बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप लोग रिप्लाई करो ना, दो तीन अपना काम कर लो, उसका ही इलाज है। हो गया? अरे वो ना, अप्पी कौन है? अप्पी कॉल आ रहा है क्या? चलो
कॉलेज है। नमस्ते। आप कब आए? हम तो अच्छे हैं यार, साथ ही में हेलो। अच्छा ये तो शायद उसकी बेटी की पूजा की है, पहचान रही हूँ जैसी। ये दोनों सेम से चुके हैं लो, मम्मी से लेके सब लोग पीछे भी देखिए एकदम मस्त अड़स गया है लो सब लोग। और सबसे अभी यहाँ पे पूजा बैठी हुई है, पूजा कुछ बोलो। पूजा का तबीयत खराब था, दवा खा के जा रही है वहाँ पे बारात में। तबीयत खराब है ना, पहले अंजू का था फिर ट्रांसफर हो गया, और अभी जो है वहाँ पे भी पूजा हो रहा है अम्बाला में, जो कि देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोगों को वहाँ पे जाने के बाद से बारात में दिखाते हैं कि कैसा है क्या है। दुल्हन बोल रहे हैं, दुल्हन तो देखेंगे ही, दुल्हन लोग दूल्हे राजो को भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत दिन हो गया, वैसे भी बहुत सारा रस्म के बाद ही हम आए हैं। पहले तो जाते जाते खाना पे अटैक कर सुबह से। चलिए लेके चलते हैं आप लोग को आगे। बुद्ध भगवान जी सब बैठा है लो, कुछ बोलिए लो। हाय हेलो, चलिए ना ठीक है। तो रंजना बेचारी देखेगी, और इनका नाम है अभिषेक, और ये हमारे जीजा हैं। चलिए ठीक है ना, ठीक है। देख सकते हैं टुकटुक अब साड़ी पहनने लगी है। लिपस्टिक कौन लगाया है टुकटुक? मम्मी आई, आंख में कौन लगाया है? मम्मी बाल कौन झाड़ा है? क्या नाम है टुकटुक तुम्हारा? आदित्य। बड़ा स्मार्ट लग रही है जी। डांस किए कि नहीं अभी? खाना कुछ खा लो अब, थोड़ा देर के बाद।
किसका है किंडर जो है वहाँ पे? नहीं है अभी, नहीं है खाली किंडर जो है खाइबू, खाली किंडर जो है खाइबू का है। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे, सभी लोग बैठे हुए थे क्योंकि अभी होने वाला था जयमाल। और अभी मेरा आवाज़ थोड़ा सा बजा हुआ लग रहा होगा, और यहाँ पे जो हमारे ब्राइड हैं दूल्हा, वो बैठ के देख रहे थे कि हे गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले द्वार पूजा होता है, और द्वार पूजा के बाद से जिसका तिलक नहीं चढ़ाता है उसका तिलक भी आज ही चढ़ जाता है। तो आज हम लोगों का तिलक यहाँ पे बता दूँ कि नहीं चढ़ा हुआ था, इसलिए तिलक यहीं चढ़ा। और लड़की की जो भाई हैं वो बैठ के जो है ये पूरा रस्म जो है कम्प्लीट करा रहे थे। और यहाँ पर जो है आप लोग को बता दें कि ये जो छोटे स्माइल कीजिएगा लो बस। करेंट लगा इनको। हे गाइस, तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जयमाल का जो रस्म है वो शुरू हो चुका है। और ये एक ऐसा रस्म है जिसमें बहुत ज्यादा चीज वॉइस ओवर करते करते हम थोड़ा सा स्क्रीन में आ गए थे। और अभी जो है आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मिठाई खिलाने के बाद से माला पहनाया जा रहा था। और ये जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था कि जितना बोला जा रहा था उतने ही दूल्हे राजा भी कर रहे थे। और फटाफट माला पहनाने के बाद से एकदम मस्त नज़ारा था, सब लोग एकदम ताली बजा रहे थे। और सबकी जितनी भी पीछे है ना ये सब लोग साली लगती हैं, भले देखने में छोटी छोटी हैं लो लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करती है लो। आप लोग को वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। और अभी जो है सबका आशीर्वाद लिया जा रहा था। मेरा जो जयमाल हुआ था वो फूलों में हुआ था, गुलाब का फूल था और उसमें से हम ढिमलाने वाले थे लेकिन बाल बाल बच गए थे। पर बहुत अच्छा लग रहा था, घूम रहा था ना गोल गोल, शायद मुझे जल्दी
रेडी कर दिए हैं और ये कोट पैंट से लेके सब कुछ पहन लिए हैं और अब बस दुल्हे राजा को खुद कुछ समय बचा हुआ है अपने दुल्हन से मिलने के लिए। तो बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे कि वैसे तो ये मेरे मामा जी लगेंगे लेकिन एक मैं इनको भैया के रूप में ही बोलूँगा, इनको अगर कोई एतराज़ ना हो, कोई दिक्कत है नो, क्योंकि भैया से ना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, मामा कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस हो जा रहा है इसलिए मेरे भैया लगेंगे। और अब आप लोगों को मिलवाते हैं मस्त चोड़ा जो है, आप लोग इतना देर तक देख लिए, अब हम लोग निकलने वाले हैं। यहाँ पे सारा सामान जो है पैक करके रखा गया है और अब देखिए इनका लुक कुछ ऐसा है, लाइट यहाँ कम है तो इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, आगे दिखाते हैं आपको कि आगे कैसे क्या होता है, बने रहिए मज़ा आने वाला है अभी।